और बदायूं जिले के दातागंज में प्रशासन ने बदायूं चौराहे से पबन चौक तक सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली है और इस रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया है। वहीं सभी तहसील क्षेत्रों में स्कूलों के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर रैली निकाली है। रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने और फोर व्हीलर चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे यहाँ पे सड़क से दुर्घटना घटित होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, उन एक्सीडेंट को रोकने के लिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को एक मानव श्रृंखला निकाल कर इसमें सबको जागरूक किया जाएगा कि वाहन चलाते समय बिना हेलमेट का ये गाड़ी कोई ना चलाए और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहन के ही चलाएँ, तीन सवारी ना चलें और वाहन चलाते समय मोबाइल का कोई भी प्रयोग ना करें। वाहन चलते हैं जो भी दो या तीन लोग बैठे हैं तो हेलमेट सभी को लगाना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। आपको क्या लगता है कि दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए या चालान से बचने के लिए? हमारी हिफाजत है, हमारी भी हिफाजत है और दूसरे हमारे पैसों की बचत है, तो अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो 500 या 1000 रुपये का हेलमेट चालान कटेगा, तो उसमें पैसा हमारा फालतू खर्ची जाएगा नहीं जाएगा। तो आप और जनता के लिए क्या संदेश देंगे? और जनता को यही संदेश देते हैं कि सभी हमारे भाई बहन जो भी हैं गाड़ी से बाइक से चलें तो हेलमेट लगा के चलें। कहाँ से आए हैं आप? सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? करेंगे, हम ग्राम में।